कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ नहीं ज्यादा, बस मैं आया था। ठीक है, खुदा हाफिज़। तो है वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं कहाँ, पनवेल आए हैं, इसके कॉलेज जा रहे हैं, इस खड़ूस के कॉलेज जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा कॉलेज है। उसका नाम है, ऐसा ये बोलता है, जो मैं अभी तक आज तक देखा नहीं हो ना, उसका नाम सुना हो, बीपी मरीन नाम है उसका। और अच्छा है वैसे कॉलेज, जहाँ पे सब वाइट वाइट वो मुर्दे लोग कपड़े पहन के खड़े रहते ना, वो उसमें से ये भी खड़े रहते। इसको टोपी मिल गया मालूम, ये वहाँ का परेड का कमांडर है, क्यों है मुझे मालूम नहीं, इस झंडे को क्यों बनाएगा इस पता नहीं। थैंक यू फॉर विजिटिंग का। उसके बाद ये खराब कर दिया उसको, ये ऑटोमेटिक तब खराब कर दिया। और ये एंट्रेंस क्रेडिट के ड्रेस का फोटो खिंचा रहे भाई। थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा कूल एसी लगा। और ये शिप नाम नहीं हुआ, पर ये पीछे बीपी मरीन का बोर्ड। और मैं तुमको जंगल दिखाता, जंगल में से दो हिरन किस कर रहे। अच्छा देखो एक चीज़ दिखाता, चलते रहो गाइस, यहाँ से चलते रहो। तुम लोग को एक बहुत खतरनाक चीज़ दिखाने वाला बहुत खतरनाक चीज़। ये फ्रंट से देखो, ये क्या, ये क्या, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, ये ताता झिंगू हमारा। और ये बिल्डिंग जो देखते ही खत्म हो जाता है। और पीछे पहाड़ है, कैप्टन बादल उनके पास भी दो हिरन है गाइस, दो हिरन। टेस्ट करूँ, मेरा कैमरा वाटरप्रूफ है। नहीं करेंगे अपन, बाद में करेंगे, जिस दिन अपने पास अच्छा कैमरा आएगा उस दिन अपन अच्छे से करेंगे। और मैं आपको होंडा का सिटी दिखाता हूँ, होंडा सिटी नहीं। अबे ये दिखा। हाँ, और मैं एक चीज़ मतलब मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो किसी को गाइस बताना नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ हॉस्टल की जाने। ये कितने का मिलता है वैसा, 150। इसका सप्लायर है ये, 150 रुपये लेता है ये। और एंट्री गेट, मतलब एंट्री गेट दिखाता हूँ, मतलब इनको बहुत अच्छा लग रहा है ये। अबे स्विमिंग पूल है। हाँ ये भाई स्विमिंग पूल है ये, जो मैं जाके दिखाता हूँ आपको। वेल फिलहाल तो ये बंद है, फिलहाल आप देख सकते हो, अच्छा है, छोटा सा है, जिसमें मतलब ये ग्रीन हो गया है, क्योंकि इसके अंदर पानी बदला नहीं गया है, पानी गिर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, इसमें सब मूंदते हैं गाइस। ये है हमारा मास्टर ग्राउंड, और ये मास्टर ग्राउंड है, मास्टर ग्राउंड बोलते हैं इसे। और ये ग्राउंड है, यहाँ पे परेड होता है ना, परेड होता है फ्लैग होस्टिंग वगैरह यहीं पे होता है गाइस। मस्त, अच्छा। और सर बिल्डिंग में से काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे से अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कांच लगे हुए हैं तो यही अच्छा लग रहा है मेरे को, कांच इसका अच्छा लग रहा है। अरे तात्या तोपे का, तात्या तोपे वो। हाँ, और सीक्रेट चीज़ जो बीपी मरीन में, मेरे अलावा और किसी को नहीं पता, एक सीक्रेट चीज़ जो बीपी मरीन में है गाइस, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो मतलब ये कलाकांड लोग, जैसा अपने जैसे लोग बैक वेंचर लोग कलाकांड नहीं करते ना गाइस, तो दादा है उनके दादा है, ये जो दिख रहा है अभी ताला लगा हुआ है। एक सीक्रेट चीज दिखाते हैं, मतलब बीपी मरीन से आपको कूदना है, तो यहाँ से ये ताला दिख रहा है, कूद यहाँ से, कूद यहीं से, कूदते थे यहीं से, लेकिन यहाँ से कूदने के बाद एक दलदल आता है, दलदल क्रॉस करने के बाद आगे जंगल पपीते का पेड़, वहाँ से सीधा हम लोग यहाँ पे, देखिए पपीते का पेड़ दिख रहा है, देखो इधर होगा, इस पपीते का पेड़ होगा आगे, हम लोग वहाँ से पपीते तोड़ के खाते थे, अंदर जंगल पूरा क्रॉस करके अंदर। यहाँ पे गाइस कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, बस आपके अंदर एक बम्बू घुसा देते हैं, कोई रोक टोक नहीं, बस आपके गोटों के बीच में गुर्दा होना चाहिए। ओके, संस्कारी लोग हैं, अच्छे से देखना चाहिए। यू हैव टू कैरी योर टेस्टिस टू योर चेस्ट, नॉट योर ब्लॉग में कभी नहीं। देख ये दिख रहा है पपीते का पेड़, सीधा ये पपीते का पेड़ देखा सीधा, उस पर से हम लोग ने बहुत सारे पपीते तोड़ लिए। ऐसा हम बीपी मरीन अकेडमी, जो मर्चेंट नेवी को, मतलब मर्चेंट नेवी है ना तू भाई, मर्चेंट नेवी को जो ट्रेन सी फरर को ट्रेन करते हैं, उसके अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्राउंड है। और पीछे बिल्डिंग है, जो मतलब ब्लॉग करना चाहते हैं ब्लॉग कर सकते हैं वहाँ से, ब्लॉगिंग वगैरह। पहले फूल वगैरह थे, मस्त थे, उससे अच्छा क्लैरिटी आ सकता है, पर मेरे पास कैमरा नहीं है गाइस। और वो बंदा अकेला क्यों खड़ा है मुझे नहीं मालूम, और ये बंदे लोग खड़े हैं ऐसे देख रहे, लगता है कूदना चाहता है वहाँ से गाइस। गाइस तू कूद सकता है। होता है कि मतलब कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में आए हैं, ये हमारे सी वाले भैया जो मतलब अकेली जहाज उड़ाते हैं। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ से निकलते हुए हम ब्लॉग में गाइस, हाई कर दो गाइस, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। विकास भाई
इसके बहुत पहचान नहीं दिए भाई तुमने अब तक का, याद रखूंगा। पंखा नहीं दिए तुमने आज तक? पंखा नहीं दिए। वो जो पीछे बैठे वो विकास भाई, आज तक बेचारे को पंखा नहीं दिए, बेचारा गर्मी में तड़प तड़प के। गर्मी नहीं, ऐसे तो एसी की जैसी हवा थी, लेकिन एक पंखा मांगने गया था, घर के लिए चाहिए था। घर के लिए चाहिए था, समझ रहे हो, घर पे ले जाने के लिए चाहिए रहता है। सो वही खत्म करते हैं गाइस इस ब्लॉग को, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं सर, ज़्यादा टाइम हो जाएगा रूम वगैरह देखने के लिए। वैसा मैंने रूम वगैरह देखा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब एसी है गाइस, फुल एसी है, फुल एसी है, बस एसी चलती नहीं है, बस चलती नहीं है, बस ये दिक्कत है। और इसका ये, और फिर हम इसको बोलते हैं अलविदा बीपी मरीन एकेडमी को, जो है पनवेल में, आउट ऑफ मुंबई है। और इसका गेट है, और बाहर का एरिया ऐसा कुछ है कि मतलब कोई दिखता ही नहीं, पूरा मतलब सुनसान है गाइस, मतलब पूरा सुनसान है। और ये इसका वो, यहाँ पे चाय वगैरह आप टपरी वगैरह पी सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले न्यू वीडियो के साथ, कहीं पे घूमते फिरते मिलते चलते मिलेंगे आपको, तुम्हारा भाई मुसाफिर। जब तक के लिए अलविदा। जटी है वहाँ हमारा कुछ हेलीकॉप्टर, मतलब जटी जटी मतलब वहाँ पे जहाज की ट्रेनिंग चलती है, वहाँ पे सामने स्ट्रेट एकदम एंड में जाओगे तो जहाँ पे जहाज का ट्रेनिंग वगैरह चल रहा था गाइस, वो है। और ये हमारी आंटी का स्टॉल, मैंने यहाँ से एक बार ब्लॉगिंग किया था, तेरे को याद है? हाँ, यहाँ पे मेरा भाई यहाँ से ब्लॉग करता था, बहुत अच्छा ब्लॉग करता था। ये हमने बनाया ये एरिया, यहाँ पे हमने बनाया, ये मेरे बनाया। तो कौन है इधर, है ही नहीं कोई, अभी आंटी अंदर गई आएगी। अच्छा, कुछ हम एक अच्छा ज्ञान लेंगे जो हमारे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आपको हमें मिलाना चाहता हूँ मैं, उनका बहुत बड़ा डाहेड फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं उनका फ़ैन ही हूँ। देखो भाई, लड़कियों के पीछे मत पड़ो, सिर्फ पैसा ही सब चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी लड़की 6 पैक के बदले 6 कार ही चूज़ करेगी। तो गाड़ी खरीदो, तो गाड़ी खरीदो, और फिर मिलते हैं गाड़ी के साथ। माँ का तेरी बहन तेरी, इसका नाम बादल है, हमारा छोटी गाइस बादल है, छोटी का नाम यहाँ बादल है, तो बिचारी का भी नाम बादल है। यहाँ पे यहाँ एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, छोटी का भी मतलब वैल्यू नहीं है यहाँ पे गाइस। वैसे यहाँ पे बहुत क्वाइट प्लेस है, एंड ग्रीनरी वगैरह, यहाँ पे पीपल ऑन द फ्लो का झाड़ है ये काफ़ी, हाँ पीपल ऑन द फ्लो। और एक्टिवा जाते हुए बाय गाइस, वैसे अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए गाइस। आई नीड अ लाइक कमेंट फॉलो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ मुसाफिर अली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं गाइस, सब तक अलविदा। सब पहले समथिंग मिशन इम्पॉसिबल के जैसा लग रहा है, और मैं समीर आपको मैं बैकग्राउंड दिखाने वाला हूँ, उससे पहले वो जमीन हमें इसको, ये मिशन इम्पॉसिबल को पार करके आना है, घोड़े देखने आना हमें, देखो यहाँ से चल 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 यहाँ से चल, इसको पार करते हुए गाइस निकलना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये आउट ऑफ मुंबई है, मतलब मुंबई के अंदर नहीं है, आउट ऑफ मुंबई जो मतलब रहते हैं वो समझ जाएंगे, मतलब पनवेल में है ये लोकेटेड एरिया, और वहाँ से स्टेशन से कम समथिंग 15-20 मिनट्स का वॉकिंग है। तो यहाँ पे अभी बीपी मरीन करके अकेडमी है, वहाँ पर ये मतलब ये कैडेट्स वगैरह जो नेवी वगैरह में मतलब जो जाते हैं उसके लिए मतलब है ये। वैसे मेरे दोस्त ने भी यहीं से किया है, वेल रिव्यू वगैरह अच्छा है इससे, मतलब जो बड़े भाई हैं इसे यहाँ से गए हैं, और मतलब निकले हैं अच्छे से, मतलब ये अच्छे मतलब सेलिंग वगैरह कर रहे हैं मस्त, तो भी शायद फिलहाल जापान वगैरह में मतलब सेल कर रहे हैं, और अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप कर सकते हो। और मतलब गाइडेंस वगैरह के लिए मतलब मेरा दोस्त है आपको गाइड कर सकता है, अगर किसी को करना हो मतलब मरीन वगैरह लाइन में घुसना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, बीपी मरीन एकेडमी सर्च कर सकते हो मुंबई में, एंड क्वाइट इम्प्रेसिव अच्छा है। और ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे पब्लिक सब बैठी है, यहाँ पे आने जाने के लिए सब लोग, अच्छा है, कूल है वेदर, और एसी भी चालू, पंखे चालू हैं, तो अच्छा मस्त है, वेल अच्छा लग रहा है, और अच्छी यार बिल्डिंग मतलब। ओह माय ग्रूट, आई एम ग्रूट। और वो रहा हमारा बीपी मरीन एकेडमी, जो और ये भाई साहब ज्ञान देने वाले ज्ञानी बाबा वो खुद ही पीछे हैं देखो, और जो कि वो सैंडल में है, हम चप्पल में हैं, वो सैंडल में है, फिर भी वो पीछे है, तो मतलब क्या हुआ गाइस? उसे घोड़े की तरह मतलब, इसका मतलब हम आज मर जाएंगे। पीछे वाला एरिया
और ये सब है इवेंट्स वाले टॉयलेट्स। और मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें मेरे को दलदल में गिरा दिया था, मैं बोला था मेरे को नहीं लाया जा रहा था, वो इधर था जिसमें मेरे को पानी मरीन का ही है। नहीं नहीं, ये महानगर पालिका वाटर वाला है, वाटर का इधर पे ही है, फिर भी पानी नहीं है मेरे अंदर, किलो के पास पानी नहीं रहता कभी। और पीछे मतलब पहाड़ दिखा दो, ये सब मूवेबल टॉयलेट्स है, मैं जो दिखा दूं जो इवेंट्स में नहीं। अरे भाग भाई, तू टॉयलेट दिखाने देखो सर, अंदर कम था तो कुछ आया था गाइस फैजू भाई से मिलने, तो फैजू भाई तो मिले नहीं, तो कुछ ये ऐसा दर ऐसा तालाब मिला, अच्छा उसका सीनरी अच्छा है, व्यू इसको बड़ी दरगाह बोलते हैं, पनवेल में है छोटा सा। लोकेशन क्या इसका? पनवेल बंदर, ये एग्जैक्टली महानगर पनवेल महानगर पालिका के एग्जैक्टली सामने है, दीदी मरीन का रास्ता यहाँ पे है छोटा सा। वैसे काफ़ी अच्छा था, मतलब थोड़ा सा क्वाइट प्लेस मस्त दिख रहा। और ये मेरा चप्पल भीग गया गाइस, मैं चप्पल में आया हूँ, चप्पल वहाँ पे फायर, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को मेरी आज लग जाएगी, क्योंकि एक शेर दिख रहा भाई, शेर का नाम कुत्ता है हमारे शेरियां स्कोडिंग का, और वो डिंग 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 भाग गए, भाग मोगली भाग, ये दूसरा शेर आ रहा है सही में, घोड़े जैसा भाग रहा है अर्तुरुल गाजी। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, क्योंकि बीपी मरीन में जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाना है, मैं बीपी मरीन में बहुत डिप्रेस्ड हो जाता था बीच में, तो मैं अकेला यहाँ पे आके बैठा करता था ताकि। और एक और गाइस, मैं तुमको ना मैं तालाब दिखाता हूँ, तालाब इतनी बड़ी तालाब है ना गाइस कि मतलब आप देखते देखते वो हो जाओगे। हमारा पीछे सर चट्टी है, ये हाय गाइस, वो मेरे फैन फॉलोअर्स वो ऐसा क्यों देख रहा है गाइस, हाय बोलो गाइस। पनवेल का चट्टी एरिया, उधर पे हमारी शिप ट्रेनिंग होती है। ये समुंदर, ये छोटा सा समुंदर। और गाइस वो जो दो डॉगीज है वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब आज मेरे को लाइक सब्सक्राइब मिल जाएगा दो लोग का, तो मतलब आज पक्का दो लोग का लाइक सब्सक्राइब मिल जाएगा, हाय बोलो और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा गाइस, अगर हम लोग को पपीता तोड़ने वाला एरिया वहाँ था, हम लोग वहाँ क्रॉस करके जाते थे। ये मैं आपको जो बैकग्राउंड बताया था ना, वो वहाँ से निकलते थे और उसके यहाँ से पीछे से निकलते थे हम लोग, ऐसा बैकग्राउंड ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पे पहाड़ी इलाका टच नहीं करना चाहिए, मार डालूंगा, मुझे मेरी फट रही है गाइस, कुत्ता पीछे ही है और दूसरे का और कुत्ता का घोड़े किधर है। अरे तू चलना, गार्डन चालू नहीं हुआ, ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा गाइस कि आज मुझे किडनैप, ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि मैं आज किडनैप हो जाऊंगा, पता नहीं कौन सा एरिया में हम हैं, ऐसा लग रहा है मुझे किडनैप करने के लिए जा रहा है गाइस। गाइस अगर ये वीडियो आपको दिख रहा है, गाइस अगर ये वीडियो आपको दिख रहा है तो मेरे को बचा लेना। और ये फिर एक और इम्पॉसिबल सा रास्ता, बस आप सोच रहे हो कि हो गया कि ये मुंबई में कौन सा जगह होगा, इसे मुंबई आउट ऑफ मुंबई बहुत लंबा है मुंबई, लाल मिट्टी एरिया है, दिखा दूं ये मिट्टी मुंबई में से ये एरिया में ही है, ये लाल मिट्टी एरिया है, रेड मिट्टी मिलती है, लिटरली रेड है, जब ये सूख जाती है तो पूरी रेड दिखती है ये, अगर आप की चप्पल में लग जाए तो आपको लगेगा कि आप किसी का मर्डर करके आए हो। और ये कुछ ये किसका झाड़ है? ये सारे जंगली झाड़ है, इनके बीच में हम लोग ने बहुत सारी वीडियोज बनाए थे। अभी ऐसा कोई मेरे को मार वार के फेंक तो नहीं देगा यहाँ पे? अगर मैं तेरे को यहाँ पे मार के फेंक भी दूँ ना तो तेरी लाश किसी को नहीं मिल पाएगी। नहीं मैं तो मैं कहने का मतलब यहाँ कोई वो कबल दे नहीं, किडनैपिंग वगैरह तो नहीं होता ना, वेरी पीसफुल एरिया यहाँ पे, देखो ये देखिए ये जंगल की लग रहा है थोड़ा सा, देख कितना खूबसूरत सा ट्रैक बना के रखा है, ऑफ रोडिंग करने के लिए बना, ये ऑफ रोडिंग ट्रैकिंग कर सकते गाइस आप, पहले हम लोग यहीं से इधर उधर जाया करते थे, एक्स रोडिंग ट्रैकिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे, मतलब इतना अच्छा मतलब बेहतरीन है। और वैसे मतलब वो काफी मतलब मेरे को मतलब बहुत काफी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मतलब ये एरिया बहुत इतना सुनसान एरिया है कि मतलब अगर मार के फेंक दो ना किसी को, मतलब एक्चुअली पनवेल में जो मुस्लिम लोग रहते हैं उन्होंने एरिया की ब्यूटी को खराब नहीं किया, उन्होंने इसको ऐसी रॉ छोड़ दिया और इसको हमेशा टेक केयर करते हैं जंगल में। उलाला हु हु उलाला हु हु उलाला हु हु मत कर दो, कोई निकला तो माँ बहन गाइस मुझे मेरी फट रही है, ये पता नहीं कौन सा घोड़ा दिखाने के लिए यार, अभी पहले पूरे पेड़ एकदम कटा हुआ था एकदम सपाट है, हराम कर कहां ले गया, कसम से डर मेरी फटी पड़ी है कि मतलब ज्यादा कोई दिख ही नहीं रहा है मेरे को, चल ना तो और बेहतर है, कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ से घोड़े के निशान ये देखो, ऐसा बोल रहा है कि और कोई नहीं दिख रहा इसके लिए और बेहतर है, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। घोड़े नहीं मिलेगा इस पोपटो के हमारा।
और यहाँ पे कुछ अंदर है, घोड़े बंद पैक का इस ताला मरा हुआ है, हमारी फट चुकी है और हम रिटर्न जा रहे हैं। और वो रहा बीपी मरीन अकेडमी। अरे देख देख, वो चिड़िया देख उसके अंदर, फूल के अंदर है। दिखा दिखा, देख चिड़िया फूल के अंदर से रस चूस रही है। चिड़िया फूल के अंदर, बटरफ्लाईज, बड़ा खूबसूरत सा व्यू। जल्दी जल्दी चलिए। और यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे मैं, इतना पसीना हो गया, कुछ ज़्यादा पसीना हो गया यार। बैकग्राउंड में कोई नहीं है, बैकग्राउंड में ये लोग हैं। ये मैं हूँ मुसाफिर, और ये मेरा बचपन का यार, नहीं अभी का यार है, जो बचपन में नहीं था तो अभी का है। लेकिन जब कल मेरा 2 मिलियन होगा तो सब जान जाओगे, मैं इससे बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, इतना अमीर कि मैं उसको पैदल लेके जा रहा हूँ 4 किलोमीटर दूर। ये पनवेल है गाइस, दिस इज मुंबई, और ये मुंबई का पनवेल है जो मैं फ्रंट से करता हूँ, मैं फ्रंट एंड हूँ। हमको कोई नहीं देखता क्योंकि मैं खुद को देखता हूँ, ये मेरे को देखता है। इसका इतना व्यू है, मतलब 2 मिलियन व्यू, जिसमें मैं एक हूँ, एक ही है बस। इसके आगे वो व्लॉग ही खत्म हो गया। दिस इज फ्रंट एंड, देखो गाइस, देखते रहो, सब देखते रहो। यहाँ से ना व्हाइट व्हाइट की गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज बारिश है तो मौसम अच्छा है। वेल ऐसा मत देखो, मैं तो प्यार हो जाएगा हमें। अच्छा मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ। नहीं मैं तेरा आराम से ये बंद ही हो गया, उन्हें चालू है, सही में अपलोड करूँगा। ये दूर दूर तक जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ये सारे सिटकों के हमारे नहीं हैं, और ये भैंस है समीर की। समीर ने इसको राखी बांधा था पहले। क्या ये लोग सब भैंस फैमिली से, जानवर फैमिली से आते हैं ये लोग? दूर रहे यार मेरे से जानवर, मेरे को थूक भी नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रहा था मालूम क्या? मत बोल दो, चलो ठीक है, मैं आगे बताता हूँ तुम्हारे को। तो अभी कुछ ज्यादा गाड़ी तो नहीं दिख रही भाई, तो गाड़ी नीचे टट्टी भी दिख रही है। गाड़ियों की शादी हुई, अभी मेरा माँ, मैं अभी मतलब मैं मतलब बर्थडे केक काटने वाला था। बर्थडे केक बोले तो मतलब गाँव का केक, डंक डंक गाँव, इसकी भी शादी हो गई। तो बता क्या मतलब व्हीकल्स को लगा, सॉरी गाइस मुझे नहीं मालूम था। ऐसे चाहिल गवारों को मैं लेके आ जाता हूं, मालूम था इसके लिए, मुझे नहीं मालूम था। मैं मेरी इज्जत डुबा देते। आज आप लोग पनवेल में देख रहे, कल मैं एम्स्टर्डम में व्लॉग करूंगा ऐसे ही। मैं एम्स्टर्डम जा रहा हूं। कब जा रहे? इंशाल्लाह मार्च को जा रहा हूं। इसकी शादी होगी, गाड़ियों की शादी नहीं होगी, वहाँ ट्रक है लॉरी। गाइस कुत्ता दिखाता हूं मैं आपको, कुत्ता, अकेला कुत्ता है ज्यादा मतलब। अच्छा दिस इज कुत्ता, ए हाय बोल, हाय बोला, ए माँ के पकोड़े। अच्छा एक बात बता समीर, वहाँ पे खड़ी एक लॉरी, वो लॉरी को तूने गिफ्ट कर दिया तेरी बहन को। भाई देख नहा रहे, तो किसकी लॉरी हो गई? भाई एक भाई नहा रहे। अरे वो छोड़, मैंने तेरे को दिया एक लॉरी, वो लॉरी तूने गिफ्ट कर दिया अपनी बहन को, तो किसकी लॉरी हो गई? मेरी बहन की, मेरी बहन की। तेरी बहन की? मेरी बहन की गाड़ी। भाई ब्लॉग करो, सही से करो ब्लॉगिंग, सही से करो। अच्छा ठीक है, हम अगर ऐसा ब्लॉग करो, यानी पब्लिक देखे तो पब्लिक बोले कि तुम झंडू लोग हो। वहाँ पे वो आंटी ने करने आता है, वहाँ पे वो आंटी ने सीरियसली देखी, बोले क्या चूतिया लोग हैं सीरियसली, और उनके हाथ में एक नंगा 10 साल का बच्चा था। क्या मतलब, मेरे को डर क्यों लग रहा है? बीच वाले मोबाइल लेके भाग जाएगा, आ जाए भाई साहब आगे बच्चे कंचे खेल रहे हैं। और जिंदगी के अभी वापस केक कट जाता, और जिंदगी कुछ इन छोटी छोटी खुशियों में मतलब ये जाना पहचानने से जगह आ रही है, मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। बच्चे लोग जो बचपन में छोटे छोटे खेलते थे, हम भी खेलते थे, अब हम बड़े हो गए तो अब इसको हम नहीं खेलते। बहुत खुशी है मेरे को। आप लोगों को एक बात बतानी है, ऐसी बारिश में जब है ना बहुत तेज होती थी, तो हम अपने दोस्तों ना, सुंदर हम अपने दोस्तों, अपनी दोस्ती याद आ रही थी। एक तू था, एक मैं था, एक जो कपड़ा उतरा हुआ है वो तू था, जो कपड़ा पहना हूँ मैं हूँ। हमें अपनी ना मतलब गाइस दोस्ती याद आ रही है। हम लोग ऐसे ही बचपन में बारिश आती तो बाहर निकल जाते थे। अपलोड कर दूंगा बाहर, पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा बाहर। बच्चे और मेरे को ना मोनेटाइज चाहिए, मेरे को मेरे चैनल पे है मेरे को ये। मैं पैसे तो नहीं दे रहा, मैं उसको गाली दे सकता हूँ अभी। क्या पता, बस चल रहे हैं लोग के साथ, मालूम इसके साथ में आता ना चली इनको कहाँ भी घुमा देते। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, ऐसे हम लोग बारिश में बाहर निकल जाते थे, हमारे माँ बाप हम लोग को देख के सोचते थे। कोकन सी फूड मैं शुरू शुरू भी कर रहा हूँ तुम्हारा समय। अच्छा हम बाहर निकलते थे ना तो हम ऐसे खेलते रहते थे,
फिर दूसरे बच्चे गली के आते थे, वो एक लकड़े से एक ना टायर को घुमाते रहते थे और भागते रहते थे। मेरे को समझ में नहीं आया उसमें मजा क्या आता था, फिर हम भी उनको देख के भागते रहते थे। हाँ वो मैं भी भागा हूँ गाइस, मैं ही भागा हूँ। फिर हमारे माँ बाप सोचते थे क्या कमी रह गई इनको बच्चे को पालने में। मैं कुछ भी नहीं कमी थी, कमी इसमें थी जो मेरे को ही मिल गया। हमारे माँ बाप बोलते थे क्या कमी रह गई थी इनके परवरिश में, क्यों हमारे बच्चे इतने गवार निकल गए। गाइस एक और मतलब भाई तू दिखा रहा है ना, सब टीआरपी ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, मेरा टीआरपी कम हो जाएगा। गाइस मैं मुंबई की बस स्टॉप दिखाना चाहता हूँ, नहीं मतलब बस दिखाना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रिक है पेट्रोल से चलती है। सॉरी गाइस सॉरी, कट कट कट, वो पहले इलेक्ट्रिक थी बाद में पेट्रोल भर जाना गया उसका। अभी आगे से दरगाह चलेंगे, आगे दरगाह पानी वाला। मैं क्या बोल रहा था, मिनी हाजी है वहाँ पर, मतलब ऐसा तालाब है दरगाह के आगे। आज मैं मेरा चैनल मोनिटराइज हो जाएगा गाइस आपके पास। स्टॉप किया मैंने, डांस हो रही है सॉरी गाइस, नागिन डांस नहीं हो रही थी, वो बाबा जी नागिन डांस करवा रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तेरे फोन में बहुत अच्छा आता है, क्लैरिटी है गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत क्लैरिटी है, हम बहुत पॉपुलर होंगे। एम्स्टरडम जा रहा हूँ, एम्स्टरडम जा रहे हैशटैग वाले, संजू बाबा अभी नहीं पीछे उससे बनाएंगे ना, ज़्यादा मर जाएगा। नहीं ज़्यादा हुआ वैसा हमारे स्कूटी देख लिया, वो जो लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पे बहुत चलती है, वो नहीं वो रेड में जा रहे हो लोग क्या ना मतलब यामा। ऐसा आजू बाजू वाले पब्लिक कोई हमको देख नहीं रहा है क्योंकि हम फेमस नहीं इतना, हम ऐसे लग रहे दो फकीर चंद चल रहे बस चल ही रहे, वैसा हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम फटे हाली से ज़िंदगी चालू करे थे और आज भी फटे हाली में चल रहे हैं, आगे बढ़ी नहीं पाए जिंदगी। नहीं बढ़ेंगे, इतना बढ़ेंगे कि कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत बढ़ गया चेंबूर से यहाँ तक आ गया, और कितना बढ़ना चाहिए। हाँ भाई वैसे तो हम चेंबूर से यहाँ पनवेल आ गए हैं, ये आधे बढ़े, ये 21 साल का होके भी 20 साल 19 साल का, और मैं 20 साल का होके भी 20 साल का, आपको समझ में ये मतलब पैदा होने के 2 साल बाद पैदा हुआ। एक्चुअली बोलता हूँ और मेरा जो सोचता डेथ ये नहीं बताना था, बर्थ है वो तो आपको मालूम है, 17/4/2003 1999 में पैदा हुआ था ना मेरे भाई का, पैदा तेरे वो साले कौन सा भाई था, मैं नंडे नंडे में पैदा हुआ था। नहीं तू बता बोला ना तुम्हें, हम चलते चलते क्या मतलब क्लैरिटी बहुत गंदा है गाइस, और ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है कुछ और ये गाड़ी है, इसमें HDFC कोटक सबके बैंक जैसे HDFC का बैंक, और ये टेम्पू क्या जस्ट मेरे बाजू से चिपके चलते तो ज़्यादा इग्नोर मारे सब गाड़ियाँ पे चिपकी चलती है। तो फिर दूर कौन चलता है गाड़ी कौन सी चिपकना चलने वाले। हेलो गाइस आपको भी घर बैठे कमाना है कुछ तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और जॉब देने वाला इसका CEO है ये है, ओए CEO हाँ इसका ये CEO है जो कुछ नहीं, ये भी खुद बेचारा रोड पे घूमता रहता है, इतना बड़ा CEO है और सबको जॉब दिलाता है, कहाँ से दिलाता है पता नहीं, फ्रॉड कंपनी गाइस फ्रॉड यार। तो गाइस अभी हम लोग वापस से जद्दोजहद करके जाके, घोड़े तो मिले नहीं हमें लेकिन समीर को व्यू बहुत अच्छा लगा, और समीर चलते हुए हम उसके पीछे पीछे। ए भाई ये सब नहीं दिखाना होता है ब्लॉग में, एक्चुअली ये थोड़े अनपढ़ जाहिल लोग हैं तो इन लोग कहीं भी ऐसे बैठ जाते हैं, पता गांव वाले ऐसे ही रहते पार्ट लेके देखो देख बीपी मरीन पहन के जंड लो। और मेरा कॉलेज जो बीपी मरीन है उधर पीछे है, वहाँ पे हम लोग ने भले से 3 महीने ही गुजारे वहाँ पे लेकिन बहुत ही खतरनाक थे वो पल, और यहाँ पे ये जगह ज़्यादा लोगों को पता नहीं, मैं बाद में लॉक करूँगा।